जेरेमिया 33:3, जेरेमिया 33:3. कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर दी एंड शो दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच दाउ नोवेस्ट नॉट. और एक बार पढ़ेंगे जेरेमिया 33 अध्याय का 3rd verse. कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर दी एंड शो दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच दाउ नोवेस्ट नॉट. यरमिया की भविष्यवाणी 33:3. यरमिया 33:3. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. और एक बार पढ़ेंगे यरमिया 33:3. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. ड्यूटरनॉमी 4:7. ड्यूटरनॉमी 4:7. फॉर व्हाट नेशन इज देयर सो ग्रेट हु हैथ गॉड सो नाई अन टू देम एज द लॉर्ड अवर गॉड इज इन ऑल थिंग्स दैट वी कॉल अपॉन हिम फॉर. और एक बार पढ़ेंगे फॉर व्हाट नेशन इज देयर सो ग्रेट हु हैथ गॉड सो नाई अन टू देम एज द लॉर्ड अवर गॉड इज इन ऑल थिंग्स दैट वी कॉल अपॉन हिम फॉर. व्यवस्था विवरण का 4:7. देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं. और एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4:7. देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं. 1 Kings 8:47-50. 1 Kings 8:47-50. Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives and repent and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives saying we have sinned and have done perversely we have committed wickedness and so return unto thee with all their heart and with all their soul in the land of their enemies which led them away captive and pray unto thee toward their land which thou gavest unto their fathers the city which thou hast chosen and the house which I have built for thy name then hear thou their prayer and their supplication in heaven thy dwelling place and maintain their cause and forgive thy people that have sinned against thee and all their transgressions wherein they have transgressed against thee and give them compassion before them who carried them captive that they may have compassion on them. ये सेम वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे. पहले राजाओं की पुस्तक 8:47-50. और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में
जो उन्हें बंदी करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरोध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरोध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय का 47 वचन से 50 वचन तक। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और हम और इस नगर को की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरोध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरोध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी कर बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। भजन संहिता 25 अध्याय का 14 वचन। Psalms 25:14 द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विथ देम दैट फियर हिम एंड ही विल शो देम हिज कवनेंट। द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विथ देम दैट फियर हिम एंड ही विल शो देम हिज कवनेंट। भजन संहिता को 25 अध्याय में निकालेंगे और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय 14 वचन। यहोवा के भेद के को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। Psalms 50:15 एंड कॉल अपॉन दी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर दी एंड दाउ शल्ट ग्लोरीफाई मी। और एक बार पढ़ेंगे एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर दी एंड दाउ शल्ट ग्लोरीफाई मी। और एक बार देखिए यहाँ पर Psalms 50:15 एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर दी एंड दाउ शाल्ट ग्लोरीफाई मी। हम भजन संहिता के 50 अध्याय के 15 वचन में देखेंगे हिंदी बाइबल में से। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार,
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Psalms 91:15 He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. और एक बार पढ़ेंगे, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 15 वचन। भजन संहिता 91 का 15 वचन, 91 अध्याय 15 वचन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Psalms 145:18 The Lord is nigh unto all them that call him, to all that call upon him in truth. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. भजन संहिता 145 अध्याय का 18 वचन। भजन संहिता 145 अध्याय का 18 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। Isaiah 45:3 And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel. और एक बार पढ़ेंगे, एंड आई विल गिव दी द ट्रेशर्स ऑफ डार्कनेस एंड हिडन रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस दैट दाउ मेस्ट नो दैट आई द लॉर्ड विच कॉल दी बाय थाय नेम आम द गॉड ऑफ इज़राइल। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यशया की भविष्यवाणी 45:3 यशया 45:3 मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। और एक बार पढ़ेंगे, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। यशया का Isaiah 48:6 Thou hast heard, see, all this, and will not ye declare it? I have shaved thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. और एक बार Isaiah 48:6 Thou hast heard, see, all this, and will not ye declare it? I have shaved the new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. हिंदी में पढ़ेंगे यशया की भविष्यवाणी 48 अध्याय का 6 वचन।
48:6 तूने सुना है, अब उन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार न करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। और एक बार 48:6 तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार न करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आइसया 55:6-7 Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. और एक बार पढ़ेंगे आइसया 55:6-7 सीक ये द लॉर्ड वाइल ही मे बी फाउंड कॉल ये अपॉन हिम वाइल ही इज नियर लेट द विकेड फोरसेक हिज वे एंड द अनराइटियस मैन हिज थॉट्स एंड लेट हिम रिटर्न अनटू द लॉर्ड एंड ही विल हैव मर्सी अपॉन हिम and to our God, for he will abundantly pardon. हिंदी में पढ़ेंगे यशिया की भविष्यवाणी 55:6-7 यशिया की भविष्यवाणी 55:6-7 जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। और एक बार पढ़ेंगे यशया का 55:6-7 जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जरमिया 29:12 Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. और एक बार पढ़ेंगे Jeremiah 29:12 Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. यरमिया 29:12 पढ़ेंगे यरमिया का की भविष्यवाणी 29:12 तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यरमिया 29:12 तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जोएल 2:32
And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. और एक बार पढ़ेंगे Joel 2 chapter 32 verse. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. हिंदी में पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 32 वचन. योएल 2 अध्याय 32 वचन. उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे. और एक बार पढ़ेंगे योएल 2 अध्याय का 32 वचन. उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे. अमोस 3 चैप्टर 7 वर्स. अमोस 3 चैप्टर 7 वर्स. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. और एक बार पढ़ेंगे अमोस 3 चैप्टर 7 वर्स. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophet. हिंदी में पढ़ेंगे अमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय का 7 वचन. अमोस 3 अध्याय का 7 वचन. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा. और एक बार पढ़ेंगे इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा. माइका 7 चैप्टर 15 वर्स. माइका 7 चैप्टर 15 वर्स. अकॉर्डिंग टू द डेज ऑफ thy कमिंग आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट विल आई show unto him marvelous things. और एक बार पढ़ेंगे माइका 7 चैप्टर 15 वर्स. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. मीका 7 अध्याय का 15 वचन. मीका 7 अध्याय 15 वचन. जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा. और एक बार पढ़ेंगे मीका 7 अध्याय का 15 वचन. जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा. मैथ्यू 13 चैप्टर 35 वर्स. मैथ्यू 13 चैप्टर 35 वर्स. दैट इट माइट बी फुलफिल्ड विच वॉज स्पोकन बाय द प्रॉफिट सेइंग आई विल ओपन माई माउथ इन पैरेबल्स आई विल अटर थिंग्स विच हैव बीन केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 13 चैप्टर 35 वर्स. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things
which have been kept secret from the foundation of the world. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 35 वचन मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 35 वचन कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। ल्यूक 11:9-10 ल्यूक 11:9-10 एंड आई से अनटू यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू सीक and ye shall find, knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asked received, and he that seeketh findeth, and to him that knock it shall be opened. Aur ek bar padhenge, Luke 11:9-10 And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 9-10 वचन और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे लूका 11 अध्याय का 9-10 वचन और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। एक्ट्स 2:21 एक्ट्स 2:21 And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. और एक बार पढ़ेंगे Acts 2:21 And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 21 वचन हम पढ़ेंगे और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमन्स 10:12-13 10:12-13 फॉर देयर इज No difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और एक बार पढ़ेंगे For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 12-13 वचन रोमियो की पत्री 10 अध्याय 12-13 वचन
यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, फर्स्ट कोरिंथियंस फर्स्ट चैप्टर सेकेंड वर्स। अनटू द चर्च ऑफ गॉड विच इज एट कोरिंथ, टू देम दैट आर सेंटिफाइड इन क्राइस्ट जीसस, कॉल्ड टू बी सेंट्स विथ ऑल दैट इन एवरी प्लेस कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड बोथ दियर्स एंड आवर्स। और एक बार पढ़ेंगे, फर्स्ट कोरिंथियंस फर्स्ट चैप्टर सेकेंड वर्स। Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन। परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरिंथोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का दो वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। एफिशियंस 3:20, Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. और एक बार पढ़ेंगे, Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. इफिसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन, हम तीसरा अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और एक बार देखिए, एफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Revelation 2:17. Revelation 2:17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it. Aur ek bar padhenge, Revelation 2:17. He that hath an ear,
Let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it.